ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए हमेशा इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर डिस्कशन करते रहें ताकि आप कनाडा के लिए अपना जो डिसीजन है उसे स्ट्रांगली बना सकें। सो आज के जो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे वो दो चीज़ों पे हैं। एक, कनाडा के एप्लीकेशंस को प्रोसेसिंग टाइम को लेके, खासकर जो वीकली चेंज होता रहता है, और सेकेंड है BVLs के बाद जो अब डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ रही हैं वो नॉन क्यूबेक को भी आ रही है। सो शो को शुरू करते हैं। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हर समय इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहें। सो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट पे चलते हैं कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट हैं, जो आपका भी कंसर्न टॉपिक है इस टाइम का, सो वो किन बच्चों को आ रही हैं। तो पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई वो सारी तकरीबन हमें देखने को मिली जिन बच्चों के AIP आए थे, जिनकी पुरानी क्यूबेक की एप्लीकेशंस लगी हुई थी 10 कॉलेजेस की, ज़्यादातर उन्हें ही ये लेटर्स आई। बट अब कल और परसों में थोड़ा ट्रेंड में चेंज और दिखा कि जो पुरानी लगी हुई एप्लीकेशंस थी दूसरे कॉलेजेस की और इवन दूसरे प्रोविंसेस की भी, जिनके ऊपर रिजल्ट्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए थे और वेटिंग में थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे, तो उन सब के ऊपर भी ये रिक्वेस्ट सारे, अभी मैंने कहता कि सबको आ गई है, बिकॉज अभी आ रही हैं, कुछ को आ गई है, कुछ को हो सकता है आने वाले दिनों में आए। सो उन एप्लीकेशंस के ऊपर भी ये डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आनी शुरू हो चुकी है। सो इसका दायरा थोड़ा और बड़ा हो चुका है। इसको आने वाले दिनों में इसकी जो कंप्लीट पिक्चर है वो देखने को और समझने को मिल सकती है। पहले ये सोचा जा रहा था कि ये सिर्फ क्यूबेक तक लिमिटेड रहेगा, बट अब क्यूबेक के बाद जो सेकेंड बच्चे इन्होंने रेंज में डाले हैं वो बच्चे हैं जिनकी एप्लीकेशंस पुरानी लगी हैं और उनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए थे। सो उनके लिए भी ये कंडीशन अराइज हुई है। सो उन्हें भी ये रिक्वेस्ट देखने को मिल रही हैं। आने वाले दिनों में और भी रिक्वेस्टें आती हैं या और किन बच्चों को आती हैं, जैसे जैसे ये रिक्वेस्टें आएंगी वैसे वैसे क्लैरिटीज़ जो हैं और ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि प्रोसेसिंग टाइम को लेके, सो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो पिछले 3 वीक से तकरीबन स्टेबल था 8 वीक प्रोसेसिंग के पास, मतलब तकरीबन 2 मंथ्स टाइम ऑफ प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, और वो स्टेबल चल रहा है। सो डेफिनेटली ये भी एक बड़ी उम्मीद की जा रही है कि जो रिजल्ट्स हैं वो टाइम से ही आएंगे, अपार्ट फ्रॉम दोज जिनका अभी बायोमेट्रिक या मेडिकल नहीं हो रहा और वो सबमिट हो रहे हैं, उनके ऊपर ये शायद टाइम फ्रेम लागू ना हो, बिकॉज जब तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे तो शायद तब तक उनकी एप्लीकेशंस कितनी प्रोसेस होंगी, कितना कहाँ तक प्रोसेस होंगी और कब बायोमेट्रिक्स होंगे, और फिर उनका भी प्रोसेस होना ज़रूरी है, तभी कंप्लीट फाइल का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में शायद फ्लक्चुएशन देखने को मिले, बट प्रेजेंटली जो प्रोसेसिंग टाइम है उसे इन्होंने अभी स्टेबल रखा हुआ है सिस्टम के ऊपर। सो वी होप कि जो स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स हैं वो टाइम से मिल पाएंगे। जिनको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट हुई हैं उन बच्चों को मेरी एडवाइस है कि वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उसमें भी डिले करोगे तो डेफिनेटली फिर आपका प्रोसेस और डिले होता जाएगा। सो अवॉइड दैट अननेसेसरी डिले एंड अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी अपने कंसल्टेंट से मिलकर सबमिट करने का प्रोसेस जो है उसे इनिशिएट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमेशा रेगुलर इन्फॉर्मेशन, रेगुलर अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, तो आप टीम के साथ क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे, कॉल्स कर सकते हैं, और आप कहीं से भी आउट ऑफ इंडिया, इन इंडिया, डिफरेंट स्टेट, आप कहीं से भी ब्रॉडवे की ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और इवन अपनी IELTS क्लासेस भी आप हमारी ऑनलाइन अकेडमी के साथ लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, अ सिंपल 3 स्टेप्स। नंबर 1, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर 2, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर 3,
उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर. यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम फ्रॉम योर कंट्री. थैंक यू. ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान.